हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए सी सैट इंग्लिश के एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग PYQs को देखेंगे, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास UPPSS के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्टेट PSS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर इंग्लिश से जुड़े प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PSS एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। हाल ही में कुछ नए कोर्सेज स्टार्ट किए गए जो कि कुछ दिन पहले शुरू हुए, तो आप उनमें ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेकर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ही ज्ञानसर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज ये भी है कि आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, और एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं वहां पर आप कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा GYANSIR ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, यह ऑफर एक लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप इस ऑफर का लाभ लीजिए। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। आप प्रश्नों को अंत तक देखिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। जो है ये पैसेज दिया है, आपको पैसेज पढ़ना है और इस पैसेज के बेसिस पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर आपको देना है। लिखा भी है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलोज, है ना। आपको पैसेज पढ़ना है और उन प्रश्नों का उत्तर देना है जो फॉलो करता है। देखिए, एजुकेशन इज अ डिवाइस फॉर हेल्पिंग अ मैन टू ग्रो टू हिज फुल स्टेचर, है ना। देखिए, मतलब एक आदमी को पूरे तरीके से डेवलप करने के लिए जो जो डिवाइस हेल्प करता है वो कौन है, एजुकेशन है ना। आगे बढ़ते हैं, इट एनेबल्स हिम टू रियलाइज हिज नेचर बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली एंड इन दैट रियलाइजेशन टू बिकम ऑल दैट ही हैज इन इट हिम टू बी, ठीक है। मतलब ये उसको हेल्प करता है। तो देखिए, कुल मिला जुला के अभी मैं पूरा पैसेज आपको बता रहा हूँ क्या करना है। देखिए, जब कभी भी आपके सामने ऐसा पैसेज मिले तो आपको तुरंत स्कीमिंग करनी है। स्कीमिंग मतलब जल्दी जल्दी आपको देखना है सरसरी निगाह में कि किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, ठीक। देखिए, आगे देखेंगे, जैसे इट इज़ टू द चाइल्ड, अब ऐसे पूरा नहीं पढ़ना, ठीक है। देखिए, जो जो मेन मेन वर्ड है, चाइल्ड व्हाट परफेक्ट गार्डनिंग, है ना, यहाँ पे दिख रहा है गार्डनिंग के बारे में कुछ है, इस टू ट्री, है ना। कुल मिला जुला के स्कीमिंग का मतलब ये होता है कि आपको पूरा पैसेज ना ऐसे सरसरी निगाह में देख लेना कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। अगर आप स्कीमिंग सही से करेंगे तो एक मिनट पंद्रह सेकेंड इतने के आसपास में ना आप आराम से पूरे पैसेज को क्लियर कर लेंगे, है ना। आप देख लेंगे, अब इसके बाद ना क्या होगा, अब आपको क्वेश्चन पर आना है। स्कीमिंग करिए फिर तुरंत क्वेश्चन पर आइए। देखिए, एजुकेशन इनेबल्स अ मैन, एजुकेशन आदमी को क्या बनाते, तो यहाँ पे देखिएगा, एजुकेशन इज अ डिवाइस फॉर हेल्पिंग अ मैन टू ग्रो टू हिज फुल स्टैचर, है ना। मतलब एजुकेशन क्या करता है, देखिए यहाँ पे उसको डेवलप करता है। इट इनेबल्स हिम टू रियलाइज हिज नेचर बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली, मतलब देखिए यहाँ पे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्या करता है, एजुकेशन इनेबल करता है टू रियलाइज, देखिए यहाँ पे लाइनिंग भी क्या क्या, ठीक है, टू रियलाइज हिज नेचर बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले पैसेज पर आते हैं, व्हाट एन एजुकेटेड मैन इज एबल टू सी इन द वर्ल्ड, है ना। मतलब एक जो एजुकेटेड मैन है वो इस संसार में क्या देखने में सक्षम है। जब आप इसकी स्कीमिंग करेंगे ना तो आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ेंगे, देखिए टू अ मैन ट्रेंड, ठीक है, आगे बिकम्स लार्जर मोर, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए टू द मैन ऑफ ट्रेंड फैकल्टीज एंड डेवलप टेस्टेस द वर्ल्ड बिकम्स लिटरली अ लार्जर प्लेस, लार्जर एंड द मोर एक्साइटिंग ही इज एबल टू सी। देखिए यहाँ पे वो क्या है, एबल है सी करने के लिए मोर ब्यूटी, मोर वेराइटी, मोर स्कोप, है ना। तो ये चीजें देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, मोर ब्यूटी, मोर वेराइटी, मोर स्कोप, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, स्लाइड नंबर 10। अब यहाँ पे देखिए दिया द पैसेज यूनिवर्स ऑफ माइस्टी एंड अ टीजर हाउस ऑफ ब्यूटी मीन्स, है ना। तो इस पैसेज को पढ़ेंगे, इस पैसेज में इसका मीन मिलेगा, तो देख लेते हैं पैसेज में कि इसका मतलब क्या है। देखिए कहाँ गया, स्लाइड नंबर है ये 9, ठीक। देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, देखिए द यूनिवर्स, एक बार पूरे पैसेज को ही पढ़ लेते हैं, है ना। या फिर देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ यूनिवर्स इज कंसर्न वाइल एजुकेशन डिमिनिस सर्टेनिटी ऑफ व्हाट इज इट वाइडन्स हिज सेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट में बी एंड ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड फ्रॉम
हमड्रम सेंस ऑफ वर्कशॉप फैक्ट्री एंड ऑफिस टू द यूनिवर्स ऑफ माइस्ट्री मिस्ट्री एंड ट्रीजर हाउस ऑफ ब्यूटी। ठीक, अगर आप इसको आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पैसेज जो दिया है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप इसको आराम से टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 11। देखिए यहाँ पे दिया है इन द सेंटेंस ही फिनिश्ड द जॉब एट वन गो द वर्ल्ड गो इज। देखिए ही फिनिश्ड, ही मतलब उसने फिनिश्ड मतलब समाप्त कर दिया द जॉब काम को एट वन गो। एट वन गो जो है ना, एट वन गो ये पूरा फ्रेज होता है एक तरीके से, ऐसे समझ लेना पूरा एक फ्रेज है ना, और इस फ्रेज का मतलब होता है एक झटके में या फिर एक ही बार में। ठीक है, अब देखिए उसने एक बार में अपना काम पूरा कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे आप बोलेंगे तुरंत एक झटके में एक बार में, तो यहाँ पे ये पूरा ना नाउन के नाउन का जिक्र करेगा। जब ये पूरा का पूरा नाउन हो जाएगा, पूरा ग्रुप नाउन है, तो नाउन का छोटा सा टुकड़ा भी क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो गो काम करेगा ये नाउन का काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है चेंज द सेंटेंस आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन्ड इन टू द इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए अब आपको क्या करना है, आई नेवर ईट मीट है ना, इसे क्या करना है, ही एक्सप्लेन्ड, ही मतलब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस ऐसे होगा ही एक्सप्लेन्ड, ठीक है, आई नेवर ईट मीट, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आई है, आई है ना। अब जब आपने नरेशन का रूल पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन ये हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो यहाँ पे जब भी आएगा ही एक्सप्लेन्ड दैट है ना, फिर आगे यहाँ पे ही रहेगा, जिस ऑप्शन में ही नहीं होगा ना वो गलत हो जाएगा। देखिए ही एक्सप्लेन्ड दैट आई मीट, ये पहला कट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, ही एक्सप्लेन्ड टू ईट मीट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ही नहीं है। देखिए ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर एट मीट है ना, आगे देखते हैं ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर इट्स मीट। देखिए यहाँ पे अब दो में से ना, सॉरी यहाँ पे देखिए आई हो गया, देखिए आई हो गया तो आई भी गलत हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे आराम से आप चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, आपको छोटा सा क्ल्यू पकड़ना है, तो जरूरी नहीं कि आप इसी क्ल्यू के साथ जाइए, आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बाकी एक छोटा सा क्ल्यू था जिसके माध्यम से आप आसानी से पकड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा है, जो ही है ना, ही ये फर्स्ट पर्सन, देखिए यहाँ पे जो आई है, आई है ना, आई क्या होगा इस ही के हिसाब से बदलेगा, तो ही को हम लोग ही लिखेंगे, तो ही एक्सप्लेन दैट ही नेवर एट मीट, ये इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न है द वर्ल्ड, सॉरी द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड लिखा गया रेंडेजस मीन्स, ठीक है, जो रेंडेजस वर्ड लिखा गया इसका मतलब क्या होता है, तो अगर रेंडेजस वर्ड्स की बात करेंगे तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा स्थान जो मीटिंग के लिए मतलब निश्चित किया गया। जैसे मान के चले ना, आपने एक प्लेस को फिक्स कर दिया, आपकी मीटिंग होनी है, आपने प्लेस को फिक्स कर दिया कि मीटिंग यहीं पर होने वाली है ना, तो इसी को रेंडेजस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए एंडवेयर ये नहीं होगा है ना, अ प्लेस अपॉइंटेड फॉर अ मीटिंग, ये इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अपने अगले मतलब अगले स्लाइड पर, अगला स्लाइड है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड है, मतलब कौन सा ऐसा वर्ड है जो रॉन्गली मतलब गलत स्पेल्ड किया गया, गलत लिखा गया। देखिए यहाँ पे पहला है करेस्पॉन्डेंस, सी ओ डबल आर एस पी ओ एन डी ई एन सी, करेस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्राचार, मतलब पत्र के माध्यम से बातचीत करना है ना, आप पत्र लिख के भेज रहे हैं, सामने से भी पत्र आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है ना। आगे कॉन्साइंस, ये भी बिल्कुल सही लिखा गया, अकरेंस ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी, ये भी बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही, तो जब तीनों ऑप्शन सही होंगे तो ऑप्शन चौथा ही गलत होगा है ना। कन्वीनियंस लिखना है तो देखो कन्वीनियंस की जो मीनिंग हो जाएगी ये सी ओ एन वी ई एन आई ई एन सी ई है ना, इसका मतलब होता है सुविधा है ना, इसका मतलब होता है सुविधा, ठीक है, तो ये इसका, ये देखिए ये रॉन्ग स्पेल्ड क्या है, इसका सही स्वरूप है। आगे चेंज द सेंटेंस लेट इट बी डन एट वंस इनटू एक्टिव एज, तो यहाँ पे चीजें पैसिव लिखी गई है ना, अब पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए लेट से स्टार्ट है ना, लेट से स्टार्ट है मतलब जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस एक तरीके से यहाँ पे इम्परेटिव के सेंस में जाएगा, मतलब यहाँ पे आज्ञा सूचक है ना। देखिए लेट इट हैपन एट वंस ये नहीं होगा है ना, ये गलत हो जाएगा, लेट इट अगर ये भी नहीं होगा, अब इन दो में से कोई सही होगा है ना, डू इट एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस ये बिल्कुल गलत दिख रहा है, तो इसका बिल्कुल सही होगा डू इट एट वंस, ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही स्वरूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, 31 क्या दिया, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस है ना, वट एवर इज राइट, इसको पंक्चुएट करना है, ठीक है, वट एवर इज है ना, तो यहाँ पे देखिए वट एवर इज जो भी है इज राइट, क्या सही है, तो ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। देखिए वट एवर यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है, ठीक है, इज ये गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि यहीं पर देखिए पूर्ण विराम यहाँ पे लगेगा ही नहीं, वट एवर इज कॉमा लगा है और लास्ट में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, या और यहाँ पे दो बार कॉमा, ये भी गलत हो गया, तो वट एवर इज जो भी है मतलब जो कुछ है इज राइट, क्या सही है, तो ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे,
अगले स्लाइड पे चूज द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखे ही गॉट, उसे प्राप्त हुआ, उसे मिला, ही वाज इल, जबकि वह बीमार था। देखे ही गॉट अंटिल, अंटिल का ये नेगेटिव होता है, ये तो होगा ही नहीं, है ना, बिकॉज क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रहा। ही गॉट ऑल दो ही वॉज इल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चल, और वाइट एलिफेंट, इसका मतलब क्या होता है? देखिए वाइट एलिफेंट का मतलब होता है, वाइट एलिफेंट इसका मतलब होता है ना बहुत ही महंगी चीज, बहुत ही खर्चीला, है ना, तो जो बहुत चीज खर्चीला होता है मतलब इकोनॉमिकल पोजिशन के लिए सही नहीं होता है, उसी को वाइट एलिफेंट कहते हैं। तो रेयर ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पे दिया एन अन इकोनॉमिकल पोजिशन, मतलब वो ऐसा है ना कि आप उसको इकोनॉमिक तौर पे पोजेस नहीं कर सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते, काफी ज्यादा महंगा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एबोमिनेबल, है ना। एबोमिनेबल जो वर्ड लिखा गया, इसके लिए आपको क्या करना है, एबोमिनेबल का आपको सिनोनिम चूज करना है। तो एबोमिनेबल का मतलब होता है ग्रिड, है ना, जो घृणा योग्य है। तो देखिए घृणा योग्य, अब यहाँ पे देखिए कोल्ड, तो कोल्ड तो भाई ठंडा होता है, ठीक है, एबेज, है ना, ये भी नहीं होगा, है ना, हॉट मतलब ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे डिस्गस्टिंग ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब घृणित, जो घृणा योग्य है, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इन द पाइपलाइन मीन्स, है ना, इन द पाइपलाइन का मतलब होता है कोई चीज पाइपलाइन में, मतलब कार्य प्रगति पर, है ना, तो ये देखिए कार्य प्रगति पर है, मतलब इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड, है ना, किसी चीज को डेवलप्ड किया जा रहा है, किसी चीज को बनाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा इन द पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो देखिए ये 35 क्वेश्चन है जो 2020 के पीसीएस के पेपर में आया, ठीक है, यूपी पीसीएस जो 2020 का पेपर हुआ उसका सी सैट का पेपर था। इस प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सी सैट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अगर आप पीसीएस 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, और वहां से बैच परचेस करके अपनी तैयारी को एक कदम आगे ले जा सकते हैं और अपने सेलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।